हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और गाइज कुछ दिनों पहले मैंने इस फ़ोन के ऊपर यानी Redmi Note 9 के ऊपर एक गेमिंग टेस्ट बनाया था, जहां पर मैंने इस फ़ोन के ऊपर PUBG खेला था एक घंटे के लिए, और मैंने साथ में आप लोगों को इस फ़ोन का बैटरी ड्रेन भी दिखाया था। तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस फ़ोन के ऊपर गेमिंग करेंगे तो आपको कितना ज़्यादा लैग फेस होगा, और ये बात बिल्कुल सच है। इस फ़ोन के ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा लैग फेस होता है, और मीडियाटेक का हीलियो G85 प्रोसेसर होने के बाद भी इसकी परफॉर्मेंस मुझे स्नैपड्रैगन 665 से अच्छी नहीं लगी। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है इसके कंपैरिजन में। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करूँगा जहाँ पर आप अपने Redmi Note 9 की गेमिंग परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं, और ये ट्रिक मुझे आप में से एक व्यूअर ने बताई है। सो शाउट आउट यू ब्रो अरुण चंद्रा ये ट्रिक बताने के लिए। तो ये जस्ट एक क्विक अपडेट वीडियो है जहाँ पर मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि आपका Redmi Note 9 गेमिंग के बिल्कुल केपेबल है, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी Redmi Note 9 की गेमिंग परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले जाते हैं सेटिंग्स में, और मैं आपको अबाउट फ़ोन का सेक्शन दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास है Redmi Note 9, और आप एंड्रॉयड वर्जन भी इसका देख सकते हैं, ये एंड्रॉयड 10 पे अपग्रेडेड है। उसके साथ मुझे MIUI 11.0.5 का वर्जन मिल रहा है, तो 128GB प्लस 4GB का वेरिएंट है ये। तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में सारी एप्लीकेशन मैंने बंद कर दी हैं, और सबसे पहले लॉन्च करते हैं PUBG को। पहले मैं आपको डिफ़ॉल्ट ग्राफिक्स दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, और बैगेट को भी हम लोग अप्लाई करेंगे जिसकी मदद से हमें 60fps कॉन्स्टेंट गेम प्ले मिल जाएगा। तो सबसे पहले PUBG को लॉन्च करते हैं। ओके, तो हमारी PUBG मोबाइल लॉन्च हो गई है, और यहाँ पर मैं आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पहले दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये मैक्सिमम ग्राफिक्स जो सपोर्ट करता है वो स्मूथ प्लस अल्ट्रा है। बैलेंस में मैं अगर जाऊँ तो अल्ट्रा सपोर्ट करता है ये फ़ोन। HD में मैं अगर जाऊँ तो फ़ोन यहाँ पर हाई मैक्सिमम सपोर्ट करता है। तो पहले हम लोग स्मूथ में खेलेंगे, स्मूथ प्लस अल्ट्रा में। सो लेट्स गो। यहाँ पर मैं सिर्फ एक TDM का मैच खेलूँगा जिससे मैं आपको इस फ़ोन की परफॉर्मेंस दिखा सकूँ। सो उसके बाद हम लोग ट्रिक को अप्लाई करेंगे, और फिर उसके बाद मैं आपको परफॉर्मेंस दिखाऊंगा। तो यहाँ पर जो है आप परफॉर्मेंस को देख सकते हैं कितना लैग हो रहा है इस फ़ोन में, और ये चीज़ अभी हम लोग फिक्स करेंगे। लेकिन पहले यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा गेम प्ले दिखाता हूँ इस फ़ोन का। वॉल्यूम को कम करते हैं, और आप यहां पर जो है लैग को डेफिनेटली फील कर सकते हैं। इवन वीडियो के थ्रू आपको ये इजीली नज़र आ रहा होगा। ओके, तो अभी जो है आपको एक अच्छा आइडिया हो गया होगा। तो गेम को एग्जिट करते हैं यहां पर, और पहले अप्लाई करते हैं हमारी ट्रिक को। यहाँ पर ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड ट्रिक नहीं है, आपने सिर्फ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स के बाद आपने जाना है डिस्प्ले में, और डिस्प्ले में यहाँ पर जो है आपने जाना है नॉच एंड स्टेटस बार में। यहाँ पर आपने सबसे पहले ऑप्शन पर क्लिक करना है जो है हाइड नॉच। हाइड नॉच में जो है आपने करना है हाइड एंड मूविंग स्टेटस बार, आपने तीसरे ऑप्शन को जो है सेलेक्ट कर लेना है, हाइड एंड मूव स्टेटस बार। तो आपने इसी ऑप्शन को सेलेक्ट करना है तभी आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी, और ये तीसरा ऑप्शन है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर, सॉरी लाइटिंग के लिए, अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टॉप साइड पे मेरे पास बेजल आ गया है काफ़ी बड़ा, लेकिन आपको ये चीज़ सेक्रीफाइस करनी होगी। और अभी हम लोग बैगेट को अप्लाई करेंगे, और बाय द वे अगर आप सोच रहे हैं कि ये स्मूथनेस बैगेट की वजह से आ रही है, तो आप जो है मेरा गेमिंग रिव्यू इस फ़ोन का देख सकते हैं। बैगेट अप्लाई करने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा जो है मुझे लैग फेस हुआ था वहाँ पर, लेकिन इस ट्रिक के बाद आपको कोई भी लैग फेस नहीं होगा। तो आप पहले जाके वो वाली वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई GFX टूल या बैगेट का यूज़ नहीं करना तो आप सिंपली इस ट्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आपको जो है 40fps मिल जाएंगे स्मूथ प्लस अल्ट्रा पे, आपकी गेमिंग हो जाएगी और आपको कंसिस्टेंट फ्रेम रेट्स मिलते रहेंगे। लेकिन अगर आप बैगेट अप्लाई करेंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा स्मूथनेस मिल जाएगी, जहाँ पर आपका 60fps भी अनलॉक हो जाएगा, तो आपको जो है परफॉर्मेंस थोड़ी सी और भी इम्प्रूव मिल जाएगी। अब यहाँ पर PUBG को लॉन्च करते हैं और वेट करते हैं। PUBG लॉन्च हो गई है, और पहले मैं आपको सेटिंग्स दिखा देता हूँ।
स्मूथ प्लस एक्सट्रीम का ऑप्शन मेरे पास इनेबल हो गया है और ये बैगेट की वजह से हुआ है। तो पहले मैं अप्लाई करता हूँ इसे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ही ज़्यादा जो है स्मूथ गेमिंग है, मतलब बटरी स्मूथ जो है यहाँ पर मुझे परफॉर्मेंस मिल रही है। तो अभी मैं खेलूँगा एक TDM का मैच जहाँ पर मैं आपको परफॉर्मेंस फ़ोन की दिखा सकूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ही ज़्यादा बटरी स्मूथ जो है मुझे परफॉर्मेंस मिल रही है। और अगर इसको कंपेयर करें प्रीवियस गेम प्ले से जहाँ पर हमने इस ट्रिक को अप्लाई नहीं किया था, तो काफ़ी ज़्यादा जो है बड़ा डिफरेंस है। और आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं, ओके। तो अभी इस मैच को मैं एग्ज़िट करूंगा क्योंकि आप लोगों को गेमिंग परफॉर्मेंस का थोड़ा सा आइडिया हो गया है। तो जैसा कि अभी आपने गेम प्ले में देखा कितना ही बड़ा डिफरेंस आ जाता है अगर आप इस छोटी सी ट्रिक को अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाती है परफॉर्मेंस में। मुझे नहीं पता कि शाओमी का ये कोई ग्लिच कह लें या बग कह लें, लेकिन जब तक आपका रेडमी नोट 9 पबजी गेमिंग के लिए ऑप्टिमाइज़ नहीं होता पंच होल के साथ, तब तक जो है आपने इस ट्रिक को अप्लाई करना है और ये डेफिनेटली काम करेगा। तो एक छोटी सी जो है आपने ट्रिक को अप्लाई करना है जिससे आपकी Redmi Note 9 की गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है। और आपने अभी लाइव प्रूफ के साथ देखा कि गेमिंग परफॉर्मेंस कितनी इंप्रूव हुई, मतलब ये बिल्कुल ही डिफरेंट फ़ोन फील होता है अगर आप इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे। तो आप भी डेफिनेटली इस ट्रिक को ट्राई करना और मुझे नीचे कॉमेंट्स में बताना कि ये चीज़ आपके लिए काम कर रही है या नहीं। और उसी के साथ अगर आपको इस ट्रिक को अप्लाई करना है तो आपको डिस्प्ले के मामले में थोड़ा सफ़र करना पड़ेगा, लेकिन उसका भी सलूशन है। जब भी आप गेमिंग करें तो आप पंच होल को हाइड करके मूविंग स्टेटस बार को ऑन कर दें, और जब आप गेमिंग नहीं करते तो आप इसको नॉर्मल पंच होल पे रहने दें। तो ये काफ़ी सिंपल सी ट्रिक है जिससे आप अपनी Redmi Note 9 की गेमिंग परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये एक छोटी सी अपडेट वीडियो थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। तो गाइज़ यही था इस वीडियो के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।